नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। गरम चरम पर है, जिसके कारण जो है साहब अक्सर शाम होते ही घर से बाहर निकल रहा और आसपास में किसी का पैर पड़ जाता है या किसी का रात को जो है बिस्तर में घुस जाता है, खास करके कॉमन करें। ऐसा ही एक झारखंड में एक 2 साल की बच्ची जिसको सर्पदंश होता है, सर्पदंश के बाद आम सभी करते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। 2 साल का बच्ची को भी लेकर गए और उसके साथ साथ उस सांप को, जो सांप बाइट किया था, कहाँ पर, होठ पे बाइट किया, सांप को लेकर गए हॉस्पिटल। वहाँ पर ले जाने के बाद सांप तो हॉस्पिटल वाले पहचानते ही नहीं, वो लोग सिम्टम पर ट्रीटमेंट करता, चलिए मानते हैं, और उस 2 साल के बच्चे को ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया गया, सलाइन लगा दिया, नॉर्मल सलाइन NS। लेकिन वहाँ का कोई व्यक्ति, मेरा वीडियो देखते हैं, हमें सूचना दिए और मुझे जब वो फोटो भेजे, मैं देख के ताजुब हुआ कि उस बच्ची को जो सर्पदंश हुआ था वो है इंडियन चैक्रेट किलबैक, जिसको धोंड़ सांप जानते हैं सभी आदमी, हम लोग भारत में सभी उससे परिचित है, जौल धोंड़ा, जिसको धोड़वा सांप अलग अलग नाम से जानते हैं। ये पानी में रहता है, मछली और उसके सतह मेंढक खाता है, घर के आसपास नजर आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये पूर्ण रूप से निर्विष है, बिना जहरीला सांप है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना डॉक्टर ना वहाँ का जो नर्स लोग है, लोग कोई उससे कोई मतलब नहीं, बच्चा पेशेंट पहुँचा, सलाइन लगा देना। मैंने जब पूछा तो वो बताया गया, घर वाले बताए कि ऑब्जर्वेशन में रखा गया। चलिए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, किसी को सिम्टम जब तक नहीं आ रहा तब तक 24 घंटा ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। स्नेक बाइट का जो सिम्टम हो कभी भी आ सकता है, अगर जितना जहर ज़्यादा जाता है उस हिसाब से सिम्टम आता है जल्दी, जिस हिसाब से कम जहर आता है वो लेट से आता है, इसीलिए 24 घंटा नॉर्मली रखा जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि चलिए मानते हैं ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन 2 साल के बच्चे को सलाइन लगाने के क्या मतलब, जब उसको कोई सिम्टम नहीं और सांप पकड़ के लेके गए मार के, वो सांप भी निर्विष पूर्ण रूप से बिना जहरीला। अगर आपको ये भी नहीं ना, कोई भी सांप को फोटो खींचिए और गूगल स्कैन में डालिए, तुरंत पता चल जाएगा आपके पास इंडियन स्नेक बुक का कोई भी जगह में आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और मेरा अक्सर वीडियो हम बताते हैं कि चैक्रेट किलबैक या ऐसे भी निर्विष सांप में कोई एंटीवेनम या कोई ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं, एक TT का इंजेक्शन काफ़ी है। अगर आप पहले नहीं लिए हैं तो अब बात रहा कि घर वाले से हम बात कराएं कि पेशेंट को वहाँ से रिलीज किए, चुपचाप घर लेके जाइए। हाँ, ये बोले घर वाले को, मैं यही पूछा कि आप क्या सही में देखे हैं सांप, बोले मेरे सामने में सांप काटा और हम लोग सांप को मारे। चलिए, सांप पहचानते नहीं है, आपको लगा देना सलाइन। अगर इस परिस्थिति में कुछ होगा, हो सकता है डर के कारण, हो सकता है सलाइन के दूसरे किसी कारण में उल्टी होगा, तो क्या उल्टी एक सिम्टम है स्नेक बाइट का, क्या आप एंटीवेनम लगा दोगे? क्या इसके कारण हो सकता है सर में दर्द होगा, पेट में दर्द हो जाएगा किसी सलाइन लगाते वक्त, हो सकता है कि वो बॉडी में पानी जा रहा और या उसमें आप एवेल डाले, लेक्सोना डाले, कुछ भी डाले, उसके कारण 2 साल के बच्चे को कोई अगर साइड इफेक्ट कुछ भी होता है तो क्या उसमें एंटीवेनम डाल दोगे? नहीं। आपको कभी भी अगर ऐसा हुआ है, बड़े आदमी है, एडल्ट पर्सन है, चुचरिए मानते हैं, को उसको हम एक नॉर्मल NS लगा दिए या उसको ऑब्जर्वेशन में रखें, सिम्टम होगा बच्चा वो आदमी बताओ, छोटा आदमी बता नहीं पाएगा, छोटा बच्चा। लेकिन मेरे पास तो ऑप्शन है ब्लड, मैं ब्लड टेस्ट कर लूँगा, ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि एक बार में अगर नहीं आता फिर दोबारा देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को सलाह लगा दी, इससे पहले एक जगह में झारखंड में ही स्नेक बाइट नहीं था, उसको खाली पेट में दर्द था, घर वाले लेके गए और वहाँ पर स्नेक बाइट बोल के एंटीवेनम दे दिया गया और उससे उस बच्चे का दर्द दे दिया। 18 साल का एक लड़के को 6 एंटीवेनम देने के बाद, ओवरडोज कभी भी होता है तो हो सकता है इसका बॉडी रेजिस्टेंट कम हो सकता है, झेल नहीं पाया तो डेथ कर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब हमको पता है सांप को पकड़ के ले आया, सब कुछ है, तो मुझे इतना रिस्क लेने का क्या जरूरत है? सांप पेशेंट को हम बैठा के रखे आराम से, अगर दिक्कत होगा तुरंत एंटीवेनम चलाएंगे या उसका जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का वो करेंगे, हमको समझ। इसलिए सभी को बोलता हाथ जोड़ के, भैया अब इलाज करते हैं तो सांप को भी तो थोड़ा समझ लो भाई, थोड़ा सा जान लो, थोड़ा सा, 4 गो ही सांप है इंडिया में जहरीला सांप, एक गोमन, कोबरा, करैत, वाइपर, यही सब 3-4 गो सांप है झारखंड के, ज़्यादा का ये स्टेट वाइज। वेस्टर्न घाट साइड में, साउथ साइड में कुछ वेराइटी सांप है जो भी अक्सर नहीं पाया जाता है, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में होता है कुछ सांप। बंगाल में कुछ 1-2 गो सांप है जो नॉर्मली नज़र नहीं आता, जैसे कि पीट वाइपर, ग्रीन पीट वाइपर, वो झारखंड में कहीं के पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये नॉर्मली हर जगह पाया नहीं जाता। बैंडेज करे जो पानी में रहता है, ये अक्सर का बाइट नहीं करता। 3 सांप है जहरीला, 1 कोबरा,
एक करें एक वाइपर, ये तीन नॉर्मली सांप जिससे सबसे ज़्यादा डर है। तो इसीलिए सभी को अनुरोध करता हूँ, अगर आपको सर्पदंश हुआ है तो आपको करना क्या है कि तुरंत जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखिए और उसका बाइट का मार्क और फोटो भेजिए। मैं तुरंत आपको क्लियर करूँगा और 3 सेकंड में बता दूंगा, अगर सांप देखे चिन्हे देखो कोई मतलब नहीं है, बाइट मार्क भेजिए। 3 सेकंड में नहीं बताऊंगा तो आप समझ लेंगे कि एक्सपर्ट किसको कहता है, और बता दूंगा जहरीला कि बिना जहरीला नॉन वेनमस या बाइट क्या है, उसमें वेनम इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों आज के इतना ही, आप सभी को अनुरोध करता हूँ हमारा चैनल में लॉन्ग वीडियो तो हम लोग छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वीडियो व्यू नहीं जा रहा था और इसलिए हम छोड़ दिए डालना। अभी शॉर्ट वीडियो जा रहा और हम लोग जो है अब हमारा जो हॉस्पिटल उसी में हम लोग लगे हुए हैं जल्दी ओपनिंग के लिए। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।